is Kulesh Kumar Tengre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic resolution example one. So as far as today's class, we will study how to perform resolution with respect to one problem. So here one example is given to us. Consider the following sentences. The sentences or the facts are given as: first one is Amit only like easy courses. Second one is easy courses are hard. Third one is all the courses in the computer department are easy. Fourth fact is artificial intelligence is computer department course. And then by using resolution, we have to ensure the question, what courses would Amit likes? In earlier video, already we have discussed regarding what exactly resolution is and how does we can perform the resolution in predicate calculus or a first order logic. And in today's class, with respect to the given example one, we will demonstrate how does we can apply the resolution in predicate calculus. So here, whenever we are performing the resolution, we have to perform total four steps. For step one is we have to convert the fact into the first order logic. In step two, whatever the fact we have in first order logic, all those facts must be converted to conjective normal form. Then in step three, we have to negate the statement which we want to prove. And in step four, we have to apply the resolution by using substitution and unification. तो रिजोल्यूशन जब भी परफॉर्म करेंगे हम ये टोटल फोर स्टेप्स अप्लाई करना है एंड फॉर अ गिवन प्रॉब्लम वी हैव टू अप्लाई ऑल दिस फोर स्टेप्स वन बाय वन. तो हियर फॉर सॉल्यूशन वी हैव स्टेप वन एंड स्टेप वन इज रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ फैक्ट्स इनटू एफओएम. तो हमें जो भी फैक्ट्स दिए वो सारे के सारे फैक्ट्स को भी हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में या फिर प्रेडिकेट कैलकुलस के स्टेटमेंट्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट फैक्ट है अमित ओनली लाइक इजी कोर्सेस. अब अमित ओनली लाइक इजी कोर्सेस को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो सकता है. तो प्रेडिकेट कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक्स होगा और इजी कोर्सेस की बात हो रही है एंड दैट्स व्हाई इसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा. फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इजी कोर्स देन अमित विल लाइक दैट पर्टिकुलर कोर्स एक्स. देयरफॉर फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज इजी कोर्स देन लाइक्स अमित एक्स. नेक्स्ट फैक्ट इज साइंस कोर्सेस आर हार्ड. यानी कहीं ना कहीं साइंस कोर्सेस हार्ड है ऐसी बात हो रही है एंड दैट्स व्हाई जैसे हमने इजी कोर्स एक क्लास बनाया है इससे पहले सेम टाइप का प्रेडिकेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा. दैट विल बी द हार्ड कोर्सेस एंड देयरफॉर रिप्रेजेंटेशन रहेगा फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज अ साइंस कोर्स देन एक्स इज अ हार्ड कोर्स. देन वी हैव थर्ड फैक्ट ऑल कोर्सेस इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट आर इजी. अब ऑल कोर्सेस इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ इजी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इजी कोर्स ये वाले फैक्ट को फिर से या ये वाले प्रेडिकेट को फिर से हम यूज कर सकते हैं. साथ साथ कंप्यूटर डिपार्टमेंट के कोर्सेज की बात हो रही है एंड देयरफॉर इसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इट विल बी फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज अ कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स देन एक्स इज इजी कोर्स. वी हैव फोर्थ फैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स. तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को रिप्रेजेंट करते वक्त स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का कोर्स हमको दिया हुआ है एंड दैट्स व्हाई यहां पे वेरिएबल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है एंड देयरफॉर नो नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वांटिफिकेशन. तो ये फैक्ट का रिप्रेजेंटेशन रहेगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट कोर्सेस वुड अमित लाइक एंड देयरफॉर वी हैव टू ऐड वन मोर एडिशनल फैक्ट और वो एडिशनल फैक्ट रहेगा लाइक्स अमित यस. यानी अमित को जो भी कोर्सेस पसंद होंगे वो वाले कोर्सेस हम यस में इंक्लूड करने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर वन वेरिएबल व्हिच इज कॉल्ड एज यस एंड देयरफॉर व्हाटएवर विल बी द वैल्यू ऑफ यस लेटर ऑन जो भी हमें यूनिफिकेशन और रिजोल्यूशन के बाद मिलेगा तो उस चीज के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर रखा है और हमने फैक्ट रिप्रेजेंट किया है लाइक्स अमित यस. तो इन दिस वे वी हैव डन विद द स्टेप वन एंड नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप टू. स्टेप टू इज कन्वर्जन ऑफ एफओएल टू सीएलएफ. और जब कभी भी हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के स्टेटमेंट को सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं तो एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई टोटल सिक्स सब स्टेप्स. तो हमारे छह सब स्टेप्स है. फर्स्ट वन इज इलिमिनेट ऑल इम्प्लीकेशन एंड रिवाइट. देन मूव निगेशन इनवर्ड्स एंड रिवाइट. थर्ड वन इज रिनेम द वेरिएबल और स्टैंडर्डाइज द वेरिएबल. फोर्थ वन इज इलिमिनेट एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. देन वी हैव टू गो फॉर द ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एट द एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कन्वेंशन वर्ड इट्सेल्फ.
तो इस तरीके से हमें टोटल 6 स्टेप्स वन बाय वन अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के स्टेटमेंट को हम सीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप नंबर वन हमें आउटपुट जो मिला है वो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के स्टेटमेंट्स, और वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के स्टेटमेंट के ऊपर अभी हमें स्टेप नंबर टू में ये सारे के सारे 6 सब स्टेप्स वन बाय वन हमें अप्लाई करना। एंड दैट्स व्हाई इन स्टेप नंबर टू वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट सब स्टेप दैट इज इलिमिनेट ऑल इम्प्लीकेशन एंड देन वी हैव टू राइट द फैक्ट्स। जब हम इलिमिनेशन और इम्प्लीकेशन करते हैं तो एट दैट टाइम अगर हमारा फैक्ट इस तरीके का है कि ए इम्प्लाइज बी, यानी गिवन फैक्ट विद इम्प्लीकेशन किस तरीके का रहेगा, ये इम्प्लाइज बी, तो ये इम्प्लाइज बी को हम लिखेंगे नॉट ए और बी। एंड दैट्स व्हाई जितने भी फैक्ट्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमारे पास है वो सारे फैक्ट्स के लिए जहाँ जहाँ इम्प्लीकेशन हमारे पास है वो इम्प्लीकेशन को हम कन्वर्ट करेंगे नॉट ए और बी इस तरीके के फॉर्मेट में। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स एक्स इज इक्वल्स इम्प्लाइज दैट लाइक सम एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ इम्प्लीकेशन, और इम्प्लीकेशन को अगर हम हटाना है तो इम्प्लीकेशन को हटाते हम कैसे लिखते हैं नॉट ए और बी। नॉट ए मीन्स व्हाट इज ए इज ए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन टूल और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट, एंड उसके बाद हमें और लगा के राइट हैंड साइड स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। देयरफॉर ये पर्टिकुलर फैक्ट को हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स नॉट इज इक्वल्स एक्स और लाइक सम एक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स एक्स था इसलिए हमने नॉट लगाया और इज इक्वल्स लिखा, उसके बाद इम्प्लीकेशन की जगह हमने और लिख दिया और बाद में राइट हैंड साइड को लिखा। तो सेम मैकेनिज्म वी हैव टू अप्लाई फॉर द ऑल द फैक्ट्स जहां जहां इम्प्लीकेशन आएगा। तो हियर वी हैव सेकंड फैक्ट फॉर ऑल एक्स साइंस कोर्स एक्स इम्प्लाइज हार्ड कोर्स एक्स। तो इसके लिए अगर हम इम्प्लीकेशन हटाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन बनेगा फॉर ऑल एक्स नॉट साइंस कोर्स एक्स और हार्ड कोर्स एक्स। थर्ड फैक्ट इज फॉर ऑल एक्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स एक्स एम्प्लॉइज इजी कोर्स एक्स, यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन है एंड दैट्स व्हाई इसको हटाते हुए लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक्स और इजी कोर्स एक्स। नेक्स्ट फैक्ट इज कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट में कहीं पर भी हमारे पास इम्प्लीकेशन नहीं है, और इम्प्लीकेशन अगर नहीं है तो ये रूल लगाने की जरूरत नहीं, तो ये वाले फैक्ट को हम एज इट इज लिखेंगे। तो फोर्थ फैक्ट विल बिकम कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड वी हैव फिफ्थ फैक्ट लाइक अमिसेस, इस पर्टिकुलर फैक्ट में फिर से कोई इम्प्लीकेशन नहीं है एंड दैट्स व्हाई इस फैक्ट को एज इट इज हम लिखेंगे तो लाइक अमिसेस। तो दिस वॉज अबाउट द सब स्टेप वन। नाउ वी हैव टू गो टू सब स्टेप टू, एंड सब स्टेप टू इज अबाउट मीन नेगेशन इनवर्स एंड राइट। तो पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम में हमारे पास कहीं पर भी निगेशन निगेशन डबल नहीं आया है एंड दैट्स वाई देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर स्टेप, एंड देयरफॉर इस पर्टिकुलर सब स्टेप का आउटपुट जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा जो कि इनपुट रहेगा। तो वट एवर द इनपुट वॉज देयर तो इनपुट कुछ इस तरीके का था, तो सब स्टेप टू में कोई चेंजेस नहीं होंगे एंड आउटपुट विल बी एज इट इज। तो दिस विल बी द आउटपुट फॉर सब स्टेप टू। देन वी हैव टू गो टू सब स्टेप थ्री। तो हियर सब स्टेप थ्री इज रिगार्डिंग रिनेमिंग द वेरिएबल और स्टैंडर्डाइज द वेरिएबल। पर्टिकुलरली स्टेप में जितने भी वेरिएबल्स हमने इससे पहले यूज किए हैं वो वेरिएबल के बीच में अगर कोई एम्बिग्यूटी होगी तो वो एम्बिग्यूटी हटाने के लिए स्टेप हम अप्लाई करते हैं। तो कोई वेरिएबल अगर रिपीट अगर हो रहा होगा हमारे फैक्ट्स में तो रिपीटेशंस को हटाने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन या फिर रिनेमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट फैक्ट आप देख सकते हैं फॉर ऑल एक्स नॉट इजी कोर्स एक्स और लाइक अमित एक्स, तो यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल हमने यूज किया और आगे चल के फैक्ट में फिर से एक्स आ सकता है। तो वो एक्स किस पर्टिकुलर एक्स की बात कर रहा है वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, और उस चीज को हटाने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन करके जहाँ जहाँ एक्स है वो एक्स को हम एक स्टैंडर्ड वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कि हम x को अगर रिप्लेस कर रहे x1 से तो x1 will become the standardization and this particular fact will become for all x1 not eg course x1 or like amis x1, यानी जहां जहां x था वहां वहां हमने x की जगह क्या लिखा x1। नेक्स्ट फैक्ट इज फॉर ऑल x नॉट साइंस कोर्स x और हार्ड कोर्स x। तो भी आप यहाँ देख सकते हैं इससे पहले वाले फैक्ट में यानी प्रीवियस वाले फैक्ट में फिर से हमारे पास x था और यहाँ पे फिर से हमारे पास x है, यानी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है एम्बिग्यूटी हो सकती थी, इसलिए हमने स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते वक्त पहले एक्स को हमने एक्स वन से रिप्लेक्स कर दिया और उस सिमिलर फैशन नेक्स्ट टाइम भी एक्स मिला इस एक्स को हम एक्स टू करके लिख देंगे। तो हमारा फैक्ट बनेगा
for all X2, not science course X2 or hard course X2. Then we have third fact, for all X, not computer department course X or PG course X. So once again, repetition of variable is there. This time we will replace this X by X3. Therefore, fact will become, for all X3, not computer department course X3 or EG course X3. Then we have next fact, computer department course artificial intelligence. This particular fact mein kahin par bhi humne variable use nahi kiya hai, and that's why there is no need to go for the standardization. The fact will become as it is, that is computer department course artificial intelligence. Aur hamare paas last fact hai, like Samit, yes. यहाँ पे वेरिएबल तो हमने यूज किया दैट इज यस, लेकिन एस नाम का वेरिएबल आगे चल के कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट नहीं होने की वजह से यस को एज इट इज यस करके लिख सकते हैं। यस की जगह आप यस वन भी लिख सकते हो, बट यस अगर रिपीट ही नहीं हो रहा है तो यस को हम एज यस करके लिखेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फैक्ट विल बी एज इट इज, दैट इज लाइक अमित यस। सो दिस इज अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरिएबल। देन वी हैव नेक्स्ट सब स्टेप वेयर we have to go for the elimination of existential quantifier. तो सारे के सारे facts पे इस particular problem के लिए कहीं पर भी हमें existential quantifiers नहीं मिल रहे। Generally अगर हम existential quantifiers को हटाते हैं तो that particular mechanism is called as polemization. But current problem में कहीं पर भी existential quantifiers हमारे पास नहीं है, and that's why यहाँ पे eliminate existential quantifiers perform करने की जरूरत है। हमारा output IGP रहेगा और output कुछ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट सब स्टेप दैट इज ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। तो डेफिनेटली हमारे फैक्ट्स में यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स थे, तो सारे के सारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को हमें वन बाय वन हटाना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करते वक्त एलिमिनेशन कैसे परफॉर्म करेंगे दैट वी हैव टू स्टडी। तो हियर फर्स्ट फैक्ट है फॉर ऑल X1 नॉट ईजी कोर्स X1 और लाइक अमित X1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर होने की वजह से इसको हम हटाएंगे, और हटाते वक्त फॉर ऑल एक्स में इस चीज को हटा देते हैं और बाकी पूरे फैक्ट को आगे कुछ लिख देंगे। फैक्ट बनेगा नॉट इजी कोर्स X1 और लाइक अमित X1। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओनली हमने फॉर ऑल X1 इस पर्टिकुलर चीज को हटाया और बाकी फैक्ट को आगे कुछ रखा। नेक्स्ट वी हैव फॉर ऑल X2 नॉट साइंस कोर्स X2 और हार्ड कोर्स X2। फिर से यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम हटा देंगे, तो फैक्ट जो बनेगा दैट विल बी नॉट साइंस कोर्स X2 और हार्ड कोर्स X2। नेक्स्ट फैक्ट फॉर ऑल X3 नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स X3 और ईजी कोर्स X3। फिर से फॉर ऑल X3 को हम हटा देंगे तो फैक्ट विल बिकम नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स X3 और ईजी कोर्स X3। नेक्स्ट फैक्ट इज कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कोई यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है, इसलिए इस फैक्ट को आगे तीज लिखेंगे। फिफ्थ फैक्ट है लाइक अमित, यहाँ पर भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है, इस फैक्ट को आगे किस लिखते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट स्टेप वेयर वी हैव टू गो फॉर डिस्ट्रीब्यूट द कन्वेंशन और डिसजंक्शन। तो पर्टिकुलरली करंट प्रॉब्लम के लिए हमें ये स्टेप अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अप्लाई भी करते तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फाइनली इस स्टेप को अप्लाई करने के बाद फैक्ट जो मिलेंगे वो इस तरह करेंगे जो कि हमारा इनपुट था, नॉट इजी कोर्स X1 और लाइक अमित X1, नॉट साइंस कोर्स X2 और हार्ड कोर्स X2, नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स X3 और ईजी कोर्स X3, कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लाइक अमित यस। तो दिस विल बी द आउटपुट आफ्टर दिस पर्टिकुलर सब स्टेप। और अगर हम ओवरऑल देखते हैं स्टेप नंबर 2 को, तो स्टेप नंबर 2 में हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के स्टेटमेंट जो थे, जो कि हमें स्टेप 1 के बाद मिले थे, उनको हमें CNF में कन्वर्ट करना था। और ये स्टेप परफॉर्म करते हुए इनपुट डेफिनेटली हमारा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के स्टेटमेंट्स रहेंगे जो कि इस तरीके से थे। और जब हम स्टेप नंबर 2 अप्लाई कर दी, जहाँ पे हमने टोटल 6 सब स्टेप्स अप्लाई किए थे, 6 के 6 सब स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके का रहेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनिशियली इनपुट के फॉर्म में हमारे पास 6 फैक्ट्स थे इन द फॉर्म ऑफ FOM, जबकि आउटपुट में हमारे पास 6 फैक्ट्स रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजक्टिव नॉर्मल। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि सारे के सारे फैक्ट्स आपके क्लॉज के फॉर्म में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं फैक्ट नंबर 1 से लेकर फैक्ट नंबर 5 तक के सारे फैक्ट्स आपके क्लॉज के फॉर्म में है। क्लॉज का मतलब होता है द फैक्ट विच शुड बी फ्री फ्रॉम द इंप्लीकेशन, विच शुड बी फ्री फ्रॉम द क्वांटिफायर। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे होंगे स्टेप 2 के आउटपुट में कहीं पर भी हम क्वांटिफायर्स या फिर इंप्लीकेशंस नहीं दिख रहे, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट आउटपुट ऑफ स्टेप 2 विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म।
So this was about the step number, and now we have to go to step three. So here, our step number three is regarding negate the statement which we want to prove. तो हमें प्रूव क्या करना था? तो हमें प्रूव करना था कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन अमित अमित लाइक उस पर्टिकुलर फैक्ट को हमने लिखा था लाइक अमित यस. तो लाइक अमित यस का हमें निगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा एंड इट्स विल बी रिटन एज नॉट लाइक अमित यस. एंड देयरफॉर फाइनली अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को हमारे नॉलेज बेस में ऐड करना पड़ेगा और हमारे नॉलेज बेस में टोटल फैक्ट इस तरीके से बन जाएंगे. ध्यान दीजिएगा लाइक अमित यस इस पर्टिकुलर फैक्ट को अभी हमने लिखा है नॉट लाइक अमित यस. तो इंग्लिश में टोटल 5 फैक्ट्स आर अवेलेबल विद अस एंड विद दिस इनपुट नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 4. सो हियर वी हैव स्टेप 4 एंड स्टेप 4 इज रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन ग्राफ परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन एंड यूनिफिकेशन. तो इस पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए स्टेप नंबर 3 के जितने भी फैक्ट्स थे वो सारे के सारे फैक्ट्स आज इनपुट करके हमें लेना पड़ेगा. और इनपुट करके अगर लेते तो जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था उसका निगेशन जो कि हमने स्टेप नंबर 3 में जो किया था उसको सबसे पहले लेंगे. तो दैट स्टेटमेंट वॉज नॉट लाइक अमितेश. एक्चुअली में प्रूव करना है लाइक अमितेश बट स्टेप नंबर 3 में उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमने लिखा है नॉट लाइक अमितेश. तो अभी हमने ले लिया नॉट लाइक अमितेश फ्रॉम आवर डेटाबेस और हमारे डेटाबेस में जो फैक्ट्स है वो कुछ इस तरीके से है. जब हम रिजोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो रिजोल्यूशन परफॉर्म करते वक्त वी हैव टू सर्च फॉर द निगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो एक्चुअली हमें जो दिया हुआ है वो क्या है नॉट लाइक अमितेश. अब नॉट लाइक अमितेश इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का निगेशन. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का निगेशन क्या रहेगा लाइक नॉट लाइक का इनवर्स क्या रहेगा लाइक. एंड देयरफॉर अभी इस फैक्ट में अगर जाते हैं तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा हमें लाइक कहाँ पे मिल रहा है. तो फर्स्ट फैक्ट में कहीं ना कहीं हमें लाइक मिल रहा है और उसके बाद में किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट में लाइक नहीं मिल रहा है. एंड देयरफॉर अगर हमें रिजोल्यूशन परफॉर्म करना है तो रिजोल्यूशन परफॉर्म करते वक्त हमें फैक्ट नंबर 1 लेना पड़ेगा. तो देयरफॉर हियर वी हैव टू टेक फैक्ट नंबर 1. और अभी फैक्ट नंबर 1 और हमारा अजम्पशन जो था दैट इज नॉट लाइक अमित यस ये दोनों के बीच में यूनिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो नॉट लाइक अमित यस जबकि यहाँ पे है लाइक अमित यस 1. तो हियर देयर विल बी द यूनिफिकेशन इन बिटवीन यस एंड यस 1. तो जब हम नॉट लाइक अमित यस एंड फैक्ट नंबर 1 के बीच में रिजोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो यूनिफिकेशन जो होगा दैट विल बी इन बिटवीन एस एंड एक्स 1. तो नॉट लाइक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिमेनिंग चीज जो रहेगी वो रहेगा नॉट इज इक्वल एक्स 1 जबकि एक्स 1 का मतलब क्या है एक्स. एंड दैट्स व्हाई आउटपुट ऑफ रिजोल्यूशन विल बी हियर नॉट इज इक्वल यस. गेटिंग इट. तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इटरेशन ऑफ रिजोल्यूशन. अभी हमारे पास है नॉट इजी कोर्स यस. तो अभी हमारे डेटाबेस में देखना पड़ेगा नॉट इजी कोर्स का अपोजिट दैट इज इजी कोर्स. तो इजी कोर्स कहाँ पे फर्स्ट फैक्ट में है क्या नहीं है. सेकंड फैक्ट में है क्या नहीं है. थर्ड फैक्ट में है क्या यस. कहीं ना कहीं हमें थर्ड फैक्ट में इजी कोर्स मिल रहा है एंड दैट्स व्हाई नाउ इन सेकंड इटरेशन ऑफ रिजोल्यूशन हमें थर्ड फैक्ट को एज इनपुट लेना पड़ेगा. एंड देयरफॉर हियर वी हैव रिजोल्यूशन इन बिटवीन नॉट इजी कोर्सेस एंड फैक्ट नंबर 3. अब दोनों के बीच में रिजोल्यूशन जब आप परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे नॉट इजी कोर्स यस है जबकि यहाँ पे इजी कोर्स यस 3 है. एंड दैट्स व्हाई यूनिफिकेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा इन बिटवीन यस एंड यस 3. और रिजोल्यूशन का आउटपुट जो रहेगा नॉट इजी कोर्स विल कैंसल टू इजी कोर्स. देयरफॉर रिजल्टेंट थिंग विल बी नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स. एंड देयरफॉर आउटपुट ऑफ रिजोल्यूशन अगर आप देखोगे तो नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स एक्स 3 विल बी दैट बट एक्स 3 को हमने यूनिफाई किया यस से एंड देयरफॉर फाइनल आउटपुट जो रहेगा दैट विल बी नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स यस. तो दिस वाज अबाउट द सेकंड इटरेशन ऑफ रिजोल्यूशन. नाउ वी हैव टू गो टू थर्ड इटरेशन. तो थर्ड इटरेशन में अभी हमारे पास अवेलेबल चीज जो है यानी आउटपुट ऑफ रिजोल्यूशन आफ्टर इटरेशन 2 अगर देखते दैट इज नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स यस. अब नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स यस इसका इनवर्स या इसका निगेशन हमें सर्च करना पड़ेगा हमारे डेटाबेस में. तो नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स का निगेशन क्या होगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स. तो फर्स्ट फैक्ट में है क्या नहीं. सेकंड में है क्या नहीं. थर्ड में है क्या नहीं. फोर्थ में है क्या यस. तो नाउ वी हैव टू सिलेक्ट हियर फैक्ट नंबर 4. तो अभी हमें फैक्ट नंबर 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा. एंड नाउ देयर विल बी द रिजोल्यूशन इन बिटवीन नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स यस and fact number 4
So here there will be the unification in between S and artificial intelligence, and finally we will get the null set. So क्योंकि नॉट कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स कैंसिल करेगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट कोर्स को, और अभी फैक्ट नंबर 4 में एडिशनल कोई हमारे पास में फैक्ट है नहीं या क्लॉज है नहीं, एंड दैट्स व्हाई एट द एंड वी विल गेट द नल सेट। तो जब हमें नल सेट मिल रहा है इसका मतलब क्या है, तो एट द एंड या फिर आउटपुट ऑफ रिजोल्यूशन जब कभी भी नल सेट होता है इसका मतलब ये होता है कि हमने जो अज्यूम किया था वो वाली चीज कॉन्ट्रेडिक्शन में। तो देयरफॉर एज आउटपुट ऑफ रिजोल्यूशन इज नल सेट, it shows the contradiction to our assumption, or hamara assumption kya tha, not like Amigius. Therefore we are getting the contradiction to not like Amigius, it means that not like Amigius will be equals to false. So fir iska negation true rahega, so therefore like Amigius will be equals to true. Ab like Amigius will be equals to true iska matlab kya hai, Amit likes artificial intelligence. So in this way by using resolution we got that Amit likes artificial intelligence. So this is all about how to perform the resolution in predicate calculus. Thank you.